हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपका नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने लैपटॉप से किसी को भी ईमेल कैसे भेजें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। यदि आप अपने लैपटॉप से व्हाट्सअप डाउनलोड करना चाहते हो तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, आपको उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको अपने लैपटॉप से ईमेल भेजने के लिए आपको क्या करना है, अपने लैपटॉप के किसी वेब ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे देख सकते हैं, मैंने अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद गाइस, आपको सर्च ईमेल सर्च करने के बाद गाइस आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद न्यू पेज ओपन होगा, तो आप देख सकते हैं ऊपर जीमेल ईमेल लिखा हुआ है, इसको सिंपली क्या करना है आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने में गाइस देख सकते हैं मेरा जो जीमेल है वो ओपन हो रहा है। गाइस ओपन होने में गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आपके सामने आएगा। उसके बाद गाइस आपको किसी को भी ईमेल भेजने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपोज का एक ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करने में गाइस आपको देख सकते हैं साइड में एक टैब खुल गया हमारे सामने जो कि टू सब्जेक्ट लिखा हुआ है। टू का मतलब गाइस आप जिसको भी ईमेल भेजना चाहते हो उसका ईमेल यहाँ पर फिल करना है। तो देख सकते हैं गाइस, मैंने अपना ईमेल किसी को अपने फ्रेंड को भेज रहा हूँ, उसको मैं ईमेल आपको यहाँ पर टाइप ईमेल टाइप करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सब्जेक्ट दे देना है जिस टॉपिक पर आप ईमेल उसको भेजना चाहते हो। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सब्जेक्ट देने के बाद गाइस आपको उसका एक्सप्लेन करना है कि किस चीज का, किस टॉपिक का आपका सब्जेक्ट है। तो देख सकते हैं यहाँ मैंने फाइल लिख दिया है। फाइल लिखने में गाइस यहाँ पर एक, यहाँ देख सकते हैं आप थोड़ा सा अटैच फाइल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अटैच पर क्लिक कर दिया है फाइल पर। उसके बाद न्यू यहाँ पर मैंने एक फोटो सिलेक्ट कर लिया है, सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। ओपन करने वाले देख सकते हैं जो मेरा फोटो था वो लोडिंग होने वाला अपलोड हो चुका है। उसके आपको क्या करना है, उसके बाद सेंड पर क्लिक कर देना है। जैसे सेंड पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं जो आपका ईमेल था वो अपने दोस्त के पास आप सेंड कर चुके हो। देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखना होगा कहाँ है मेरा जो मैंने सेंड किया ईमेल, वो यहाँ पर सेंड का एक ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने सेंड किया अपने दोस्त को फाइल, ये देख सकते हैं जो मैंने अभी सेंड किया था अपने दोस्त को। गाइस ऐसे ही आप अपने लैपटॉप से ईमेल सेंड कर सकते हो। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।